हे एवरीवन, दिस इज योर श्रुति मैम. वेलकम बैक टू आवर चैनल वन स्टॉप नीट. और आज अगेन हम शुरू कर रहे हैं वन क्वेश्चन कंफर्म सीरीज बायोलॉजी के लिए. लास्ट 15 डेज में है ना, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 15 डेज रह गए हैं नीट 2024 के एग्जाम के लिए. तो अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं, लास्ट 15 डेज के लिए रिविजन क्या करना है वो देख रहे हैं, मैं फिर से आपको ये याद दिला दूं, 3 यूनिट बायो में जरूर आपको रिवाइज कर लेने चाहिए. एक है आपका जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, दूसरा है बायोटेक और तीसरा है सेल बायो, जहां 3 चैप्टर है ना. अगर आप ये यूनिट्स 3, 3 और 2 जो है आपके बायोटेक के चैप्टर यानी 8 चैप्टर्स रिवाइज कर लेते हो, तो आप लास्ट 15 डेज अपने मार्क्स बूस्ट कर रहे होगे 50 to 100. ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी नेक्स्ट 15 डेज में, ये 3 यूनिट्स है, जितने भी क्वेश्चन कंफर्म्ड हमें लगता है आ सकते हैं वो डेली आपको बायो के वीडियोस के फॉर्म में मिलते रहेंगे. 10 to 15 मिनट्स का वीडियो होगा, जो देखकर आप एक क्वेश्चन तो सॉल्व करके आओगे नीट के एग्जाम में. तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो. जो भी फ्रेंड्स आपके प्रिपेयर कर रहे हैं नीट 2024 के लिए, लास्ट मिनट डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, वो बूस्ट करना चाहते हैं अपने मार्क्स, तो उनके साथ जरूर वीडियो शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर देना अगर समझ आया तो. ठीक है, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है लैक उपरॉन. अगेन देखो, हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है इससे, है ना, तो इस साल भी लैक उपरॉन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा. मैं आपको सिर्फ वो चीजें बताऊंगी लैक उपरॉन के बारे में जो एक्चुअली एग्जाम में पूछी जाती है. पहली चीज जो लैक उपरॉन के बारे में आपको याद रखना है कि ये अगेन एक बैक्टीरियल सेल का उपरॉन है ना, ये ई कोलाई के अंदर चल रहा है. उपरॉन क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन और उसके कुछ रेगुलेटर्स हैं जो जीन को कब काम करना है और कब नहीं काम करना है वो रेगुलेट कर रहे हैं, है ना, यही एक पूरा ओपरॉन है. ठीक, तो ओपरॉन क्या है अगर मैं फिर से बोलूं तो मैं बोलूंगी ये एक स्ट्रक्चरल जीन प्लस उनके जो रेगुलेटर्स हैं उनको साथ में हम ओपरॉन बोल रहे हैं. ठीक, लैक ओपरॉन के बारे में पहली चीज जो आपको याद होनी चाहिए वो है ये वर्ड PIPOZYA. यही एक ओपरॉन है जो कि मीडियम में लैक्टोज है या नहीं है उसके हिसाब से काम कर रहा है. अगर उस मीडियम में जहां ई कोलाई बैठा हुआ है, ठीक है, उस मीडियम में लैक्टोज नहीं है तो ये ओपरॉन काम नहीं कर रहा है. लेकिन जैसे ही उस मीडियम में लैक्टोज आ जाता है, ठीक है, यहां पर एक और बात ध्यान रखते हैं कि उस मीडियम में अब ग्लूकोज नहीं रह गया है ना, तो ये जो PIPOZYA ओपरॉन है ये काम करने लग जाता है. ठीक है, कब काम करता है, जब ई कोलाई जहां रखा है उस मीडियम में लैक्टोज है तो, यानी इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज. ठीक, अब ये PIPOZYA है क्या, देखो ये एक जीन है. ठीक है, ये पी जो है ये एक प्रमोटर रीजन है. आप सबने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है तो आपको प्रमोटर पता है. ये जो आई आपको दिख रहा है ये एक इनहिबिटर जीन है. ये क्या है, इनहिबिटर जीन. ये इनहिबिटर जीन क्या बना रहा है, एक इनहिबिटर या सप्रेसर प्रोटीन. ठीक, ये कब बना रहा है, ये हमेशा बनता रह रहा है. ठीक है, जब मीडियम में लैक्टोज नहीं है तो ये इनहिबिटर काम कर रहा है ना, और ये इनहिबिटर प्रोटीन जाकर ऑपरेटर के साथ जुड़ा रहता है, यहां जुड़ा रहता है. ठीक, जब ये जुड़ा रहता है तो ये जो आगे वाला पूरा हमारा जीन है POZYA ये काम नहीं कर पाता. ठीक है, कैसे, ये इस जीन का प्रमोटर है ना. अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है तो आपको याद होगा कि आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि डीएनए से आरएनए बनाने में हेल्प करता है. अगर यहां पर इनहिबिटर बैठा है तो आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ के जो है ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवा सकता, यानी कि आरएनए नहीं बनाने दे सकता, है ना. जिस टाइम पर मीडियम में लैक्टोज आता है ना, तो वो लैक्टोज क्या करता है, वो लैक्टोज आकर इस प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है, और जब वो प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है तो ये जो प्रोटीन है वो यहां आकर नहीं बैठ पाता है, और उस टाइम पर आपका जेड वाई ए वाला स्ट्रक्चरल जीन काम करता है. अब याद क्या रखना है, ये जेड वाई और ए जीन बनाते क्या है, ये क्वेश्चन आता है ना, ये मैश द कॉलम के फॉर्म में भी आता है, सीधा क्वेश्चन भी आता है. ठीक, याद क्या रखना है, ये आरएनए बनाएंगे और आरएनए एक प्रोटीन बनाएगा, अलग अलग जेड एक प्रोटीन बनाएगा, वाई एक प्रोटीन बनाएगा, ए एक प्रोटीन बनाएगा. जेड क्या बना रहा है, यहां पर जेड बना रहा है बीटा गैलेक्टोसिडेज, पहला नाम जो आपको याद रखना है. ठीक, तो जेड बीटा याद रखना. दूसरा वाई क्या बना रहा है, वाई बना रहा है परमिएज. ठीक, ये याद रखना है. तीसरा अब आ गया आपका
ए, और ए क्या बना रहा है, ट्रांस एसिटाइलेज। देखो बार बार ये मैच द कॉलम में आता है ना, कि ये क्या बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, है ना, ये नाम याद होना चाहिए। कैसे याद रखोगे, देखो अल्फाबेट पे जो सबसे लास्ट में है वो अल्फाबेट के सबसे आगे वाले यानी बी से आ रहा है, बीटा है ना, उसके वो बना रहा है। वाई जेड के पहले आता है, तो देखो बीटा बी के बाद आता है पी, है ना, परमीज। और ए सबसे आगे आता है, तो इसका जो बना रहा है वो अल्फाबेट से मैच हो रहा है, जैसे टी जो सबसे लास्ट में आ रहा है, तो उल्टा चल रहा है, जेड वाई ए बी पी टी, यही याद रखना है। क्या याद रखना है, फिर से बोलूंगी, जेड वाई ए बी पी टी। जेड क्या बना रहा है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, पी वाई क्या बना रहा है, परमीज, और ए क्या बना रहा है, ट्रांस एसिटाइलेज। ये मैच करने को आता है, या सीधा पूछ लेगा वाई क्या बना रहा है, ये परमीज किससे बन रहा है ना। तो अब ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जेड वाई ए क्या बना रहा है, ठीक। अब मैंने बोला कि ये जो पूरा ओपरॉन है ये कब काम कर रहा है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपकी नीट के एग्जाम में कि इंड्यूसर कौन है, यानी क्या है प्रेजेंट उस जगह पर जहां पर लैक ओपरॉन काम कर रहा है। तो इंड्यूसर क्या है, इंड्यूसर है खुद लैक्टोज। जब लैक्टोज मीडियम में आएगा तभी लैक ओपरॉन चलेगा। अब देखो ई कोलाई ज्यादातर टाइम ग्लूकोज खा रहा है ना, तो उसको ज्यादातर टाइम मीडियम में ग्लूकोज मिल भी जाता है। जब तक ग्लूकोज मीडियम में है, लैक्टोज हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, उसको ग्लूकोज तो मिल रहा है, तो कभी भी लैक ओपरॉन चलता नहीं, है ना। तो ज्यादातर टाइम लैक ओपरॉन बंद रह रहा है, ठीक। जब ग्लूकोज खत्म हो जा रहा है और लैक्टोज मीडियम में आ जा रहा है इकोलाई, तभी लैक ओपरॉन चल रहा है। तो देखो ऐसे ओपरॉन जो ज्यादातर टाइम में बंद रहते हैं, ऑफ होते हैं, और किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे ही ऑन होते हैं, है ना, ऐसे ओपरॉन्स को नेगेटिव रेगुलेशन का पार्ट बोलते हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, लैक ओपरॉन में कैसा रेगुलेशन हो रहा है, नेगेटिव रेगुलेशन हो रहा है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब तीसरी चीज सुनो, जो तीसरी चीज है उसमें आपको ये याद रखना चाहिए कि ये काम क्या कर रहे हैं। जो तीन एंजाइम बन रहे हैं, पहला है बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है, दूसरा है परमीज, और तीसरा है ट्रांस एसिटाइलेज, है ना। ये एक्चुअली कर क्या रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो बीटा गैलेक्टोसिडेज जो है वो एक्चुअली लैक्टोज को तोड़ने का काम कर रहा है। अल्टीमेटली ई कोलाई जो है लैक ओपरॉन चला क्यों रहा है, कि वो अभी ग्लूकोज नहीं है तो लैक्टोज को तोड़ सके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज को कंज्यूम करके एनर्जी ले सके, है ना। तो कोई तो एंजाइम बन रहा है जो कि तोड़ रहा होगा लैक्टोज को, है ना। लैक्टोज को कैटेलाइज कौन कर रहा है, यानी तोड़ कौन रहा है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, है ना। लैक्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है, किससे बना है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, ठीक। तो कैटेलाइज कर रहा है दी क्या, हाइड्रोलाइसिस, यानी कि पानी के प्रेजेंस में टूटना, किसका, डाइसैकेराइड, और वो डाइसैकेराइड क्या है, लैक्टोज है ना। तो लैक्टोज के प्रेजेंस में ही काम हो रहा है, उसी को तोड़ने का काम कर रहा है बीटा गैलेक्टोसिडेज। दूसरा परमीज, परमीज क्या है कि उसको खूब सारा, अब ई कोलाई को ये चाहिए ना, खूब सारा लैक्टोज वो तोड़ता रहे, है ना। तो ये तोड़ने के लिए जो है एक ऐसा कोई एंजाइम चाहिए जो कि ई कोलाई का जो सेल वॉल है ना, उसकी परमिएबिलिटी बढ़ा दे, ठीक है। तो खूब सारा लैक्टोज अंदर आएगा और उतना ही बीटा गैलेक्टोसिडेज लैक्टोज को तोड़ पाएगा, ठीक है। तो परमीएस क्या कर रहा है, ये परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देता है सेल की, है ना। इट इंक्रीजेस दी परमिएबिलिटी ऑफ सेल, ये याद रखना है, ठीक। किससे भाई, बीटा गैलेक्टोसिडेज से, है ना, जो आपका लैक्टोज अंदर आ रहा है उससे, ठीक। तीसरा है ट्रांस एसिटाइलेज। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके बारे में ना एनसीईआरटी में कुछ लिखा नहीं, लेकिन मान लो मैच द कॉलम में दे दिया तो एलिमिनेट तो करना पड़ेगा आपको, है ना, तभी आंसर निकाल पाओगे, तो जानना तो चाहिए। तो ट्रांस एसिटाइलेज ना बेसिकली बीटा गैलेक्टोसिडेज जो एंजाइम काम कर रहा है उसको एक्टिवेट करने का काम कर रहा है। क्या करता है ये, देखो ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस से याद रखो ट्रांसफर, है ना। तो ये ट्रांसफर कर रहा है किसको, एसिटाइल ग्रुप को, ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप,
कहां से ट्रांसफर कर रहा है? सिस्टम में पड़ा है एसीटाइल कोएंजाइम ए, ठीक, किस पे ट्रांसफर कर रहा है? बीटा गैलेक्टोसिडेज के पास, और इसी के वजह से बीटा गैलेक्टोसिडेज एक्टिव होके काम करना शुरू कर रहा है और लैक्टोज को तोड़ना शुरू कर रहा है। तो एक तरीके से ट्रांस एसिटाइलेज हेल्पर है बीटा गैलेक्टोसिडेज का। मैं फिर से ये फंक्शंस रिपीट करूंगी। बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या कर रहा है? कैटलाइज कर रहा है लैक्टोज के टूटने को, हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज। परमिएज सेल की परमिएबिलिटी बढ़ा रहा है, नाम में ही लिखा है। ट्रांस एसिटाइलेज ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए टू बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। ये आपको जो मैंने तीन चीज बोली याद रखना है। क्या क्या बोला मैंने आपको? एक, जेड वाई ए क्या बना रहे हैं। दूसरा, ये नेगेटिव रेगुलेशन है। इंड्यूसर कौन है? कब चल रहा है लैकोपेरोन? लैक्टोज ही इंड्यूसर है, उसी के प्रेजेंस में काम हो रहा है। और बीटा गैलेक्टोसिडेज परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज के फंक्शन क्या है। तो आई होप लैकोपेरोन आपको पूरी तरीके से रिवाइज हो गया होगा ये 10 मिनट के वीडियो में। अगर रिवाइज हो गया तो जरूर से वीडियो को लाइक करके मुझे बताओ नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक 10 मिनट में रिवाइज करना चाहते हो। स्पेशली अगर आप नीट 2024 के लिए प्रिपेयर करो, अपना मार्क्स बूस्ट करना चाहते हो कम से कम 50 से, है ना, नेक्स्ट 15 डेज में। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, जरूर से फ्रेंड से शेयर करना, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी जो है ऐसा फील कर रहे हैं कि हाँ अब मार्क्स नहीं बढ़ाए जा सकते, लास्ट 15 डेज में क्या हो सकता है। भाई बिल्कुल हो सकता है, मिरेकल होते हैं 15 डेज में भी, है ना। तो हमें वही करना है, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और सारे वीडियोस देखते रहना जो आपको केमिस्ट्री और बायो में अभी जो है सारे इंपॉर्टेंट है, जितने भी वीडियोज आ रहे हैं चैनल पर। ऑल द बेस्ट इन द प्रिपरेशन। मैं बहुत ही जल्दी आपको वापस नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।